कर्म योग, उस कर्म योग को हम अपना
कन्वर्ट करने का बोली ध्यान रखना चाहिए चार चीज कर्म करने वाला मैं नहीं हूँ ठाकुर करा रहे हैं कर्म का फल मुझे भी चाहिए ठाकुर को समर्पित करना है फिर मेरे जितने भी कर्म है वो किसी न किसी तरह से ठाकुर से ही संबंधित हो जुड़े हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरह से साक्षात और परोक्ष किसी भी प्रकार से मेरे जितने भी कर्म है वो भगवान के साथ में जुड़े हुए तीसरी बात किसी का नाम बुद्धि हो और चौथी बात जो कर्म किया है उसका कुछ न कुछ फल तो होगा जो फल होगा उसको भगवान को मुझे समर्पित करना है ये चार चीज होगी तो कर्म कर्म हो जाएगा तो कर्म करने के बाद चित्त हो जाएगा एकदम शांत शुद्ध और शुद्ध चित्त में फिर ज्ञान का उदय होगा मैंने चित्त में ज्ञान का उदय होता भक्ति की तो एक विशेषता है कि भक्ति को मैंने चित्त में भी की जा सकती मेरे चित्र में भी भक्ति की जा सकती है भक्ति चित्र को शुद्ध भी करेगी और साथ ही साथ में आस्था को भी प्राप्त कराएगी भक्ति की विशेषता है पर ज्ञान के लिए पहले एक शर्त है कि पहले चित्र को शुद्ध करो तब ज्ञान हृदय में स्थित होगा भक्ति दोनों तरह से उत्पन्न हो सकती है शुद्ध चित्र होने पर बहुत जल्दी उत्पन्न होगी और अधिक प्रभावशाली होगी मेरा चित्र होने पर कम प्रभावशाली होगी परंतु भक्ति की जा सकती है मेरे चित्त में तो हमने सबसे पहले संसार की असारता का विचार किया हमारे वैराग्य दूसरी चीज हमने कर्मयोग बताया भगवान को कर्म समर्पित किए अब तीसरी चीज अब ज्ञान योग प्राप्त करेंगे ज्ञान योग का तात्पर्य है कि तीन वस्तुओं को हम लेकर के चलेंगे कि भगवान में ही सब कोई सब कुछ विराजमान है श्री भगवान वे तो राम में सब भगवान ही सब में परिणत हो रहे हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से जगत को प्रकट कर रहे हैं राम से सब और श्री राम ही जगत की रचना करने वाले भी हैं तो ये विचार करना इसका नाम कहीं बुद्धि योग इसका नाम ज्ञान तो ये भाव उत्पन्न होगा और इस ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के लिए कि सब में एक ही पदार्थ विद्यमान है भगवान विद्यमान है और वे अपने आप को अनेक रूपों में परिणत कर रहे हैं इस ब्रह्म भाव को धारण करते समय साधक को ये ध्यान करना चाहिए कि उसी को कह रहे हैं कि 31वें श्लोक में कि सर्वभूत स्थितम यो मान सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मय वर्तते सर्वभूतस्थितम यो मां जो व्यक्ति सर्वत्र स्थित मुझे मैं सर्वत्र स्थित होकर के विराजमान हूं सब वस्तुओं में जड़ में भी विराजमान हूं चेतन में भी विराजमान हूं जड़ में यदि भगवान विराजमान नहीं होते तो वस्तु दिखती नहीं फूल इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके भीतर भगवान है भगवान यदि अपनी दृष्टि से हटा दें अपने अस्तित्व इसमें से हटा दें ये अस्तित्व ही नहीं रहेगा इसकी समाप्ति ही हो जाएगी इसकी अस्तित्व ही इसका एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाएगी और हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे भीतर भी अंतर्यामी है इसलिए हमारी आंखों में दम आ रही है जिसके कारण हम देख रहे हैं तो अंतर्यामी होने के कारण दृष्टा में क्षमता है और अंतर्यामी ही होने के कारण वस्तु में अपने आप को प्रकाशित करने की शक्ति है तो सर्वभूत स्थिति स्थित सर्वभूत स्थिति का मतलब है कि मैं कर्म में भी स्थित हूं और मैं कर्ता में भी स्थित दोनों में स्थित जल चेतन सब में मैं व्याप्त हूं सर्वभूत स्थितम यो मां भजति मेरा जो भजन करेगा अंतरात्मा होकर के मैं सर्वव्यापक होकर के विराजमान हूं मेरा जो भजन करता है एकत्व मास्तिका एकत्व मास्तिका का तात्पर्य है कि सबके भीतर एक ही ब्रह्म विद्यमान है सब वस्तुएं ब्रह्म ही है उनकी कभी एक शक्ति से एक रूप प्रकट हो रहा है दूसरी शक्ति से दूसरा रूप प्रकट हो रहा है स्वरूप शक्ति से नाम नाम लीला व्यवहार प्रकट हो रहे हैं और बहिरंगता शक्ति से जितना भी जगत है वो प्रकट हो रहा है तटस्था शक्ति से अनुजीव प्रकट हो रही है
Quando muda o mundo para o lado dele, agora me diz a quem é, serve de que graça que é. Some com a graça que é, parte com a graça que é, ou estilo com a graça que é. Diz que a procura, cara, diz que tchau, cabe. किसी चीज का प्रयोग करेंगे कभी बहन का शक्ति का कांच के गिलास का प्रयोग करेंगे कभी तटस्था शक्ति स्टील के गिलास का प्रयोग कर लेंगे कभी सोने के गिलास का प्रयोग करेंगे तो वे अपनी शक्ति के हिसाब से सारे काम कर सकते हैं परंतु सारी संपत्ति कांच का गिलास भी सेठ जी की संपत्ति है और सोने का गिलास भी सेठ जी की संपत्ति है सेठ जी की संपत्ति में सब आएगी तो एकत्व मास्टरता एकता जो है वो एकत्व को प्राप्त करेंगे भगवान विराजमान तो सर्वभूतस्थितम व्योमान भजति सभी प्राणियों के भीतर में विद्यमान हूं जो एकत्व मात्र माने एक स्वरूप को प्राप्त करके मेरा आराधन कर रहा है सर्वथा वर्तमान यद्यपि वो जीव रह रहा है इसी संसार वो खा रहा है पी रहा है बोलता है चल रहा है परंतु एक ये विचार करता है कि यह मेरे लिए दूसरा ये विचार करता है कि प्रकृति अपना काम कर रही है मैं वो हूं प्रकृति अपना काम कर रही है मैं वो हूं तो सर्वथा अभ्यास के कारण प्रकृति उसका काम करती रहती है माने योगी अभ्यास के कारण चलता फिरता बोलता खाता रहता पर वो संसार में है नहीं उसका शरीर संस्कार के कारण काम करता रहेगा तो सर्वभूत सर्वथा वर्तमान संसार में रहते हुए भी स योगी मैं वर्तते वो योगी मुझ में ही एकमात्र स्थित है और मुझसे भिन्न होकर के बात नहीं है तो सर्वभूत स्थितम मैं सबके भीतर सर्वपन जड़ चेतन सब स्थित भजति एकत्व मास्तता व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि ब्रह्म ही सत्य होकर के विराजमान है और ये जो जगत दिख रहा है यह अनामी है माने चेंज होने वाला है और इसमें सुख दुख मिल रही है एक पदार्थ सब ईश्वरी है हम जब देखते हैं तो एक शब्द में कहेंगे तो समुद्र और जब अनेक शब्द में कहेंगे तो कहेंगे समुद्र समुद्र की लहर समुद्र की फेर समुद्र की मछली इन चार को अलग अलग कहेंगे एक शब्द में कहेंगे समुद्र कहने का सब कुछ आ गया तो एकत्व मात्रत्व एक होकर के विराजमान है वो अपनी शक्तियों में अनेक है परंतु स्वरूप में वह एक जैसे हमारे शरीर में ये उंगली है ये अंगूठा है ये हाथ है ये कंधा है ये भेद दिख रहा है परंतु कहने में एकत्व में एक अंग व्यक्ति है ये ही विचार किया जाए सर्वथा वर्तमान रूपी रहना भी संसार में है ज्ञानी भी संसार में रहेगा और भक्त भी संसार में रहेगा तो सर्वथा संसार में रहने होने पर भी सयोगी भय वर्तते जो योगी है वो मुझ में ही एकमात्र स्थित होकर के रहता है वो योगी मुझ में ही एकमात्र स्थित होकर सयोगी भय वर्तते तत्वता एक योगी सभी वस्तुओं के भीतर भगवत स्वरूप का ही ध्यान कर सकता है और दृश्य में अंतर नहीं करेगा और इसी भाव को सर्व ब्रह्म भाव हो इसको प्राप्त करने का उपाय क्या है सामने तो अलग अलग चीज दिख रही है अलग अलग करेंगे तो उनमें एकत्व का हम ध्यान कैसे करेंगे बोले उस ध्यान करने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि जैसे आत्मपम्य सर्वत्र समुपश्यति योजना कि मैं अपनी उपमा से दूसरों को भी देखूं कोई चीज यदि मुझे अच्छी लगती है तो मैं दूसरों को भी वो वस्तु प्रदान करूं ये आत्मपम्य माने अपनी उपमा के द्वारा ही सभी वस्तुओं को व्यक्ति देख सके आत्मपम्य माने जो चीज हमको हम अपने आप के लिए पसंद नहीं करते हैं कि कोई हमको निरादर के साथ में बोले ऐसे हमको भी किसी दूसरे का निरादर नहीं करना चाहिए यदि हम अपने लिए आदर पसंद करते हैं तो दूसरे के लिए भी
किया है। इस तरह से यदि हम अपनी सुविधा और जीवन को चलाना चाहते हैं, जीवन में सुखपूर्वक अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, तो दूसरे को भी जीते रहने का अधिकार हमको प्रदान करना चाहिए। तो आत्मसमर्पण, तो भगवद गीता में ये भगवान कह रहे हैं कि आत्मन प्रतिकूला न परेशान समाचार, अपने प्रतिकूल जो वस्तु है वो दूसरे के प्रति नहीं अपना है। आत्मकर्मण समपश्यति योजना, अरे अर्जुन जो अपने ही भाव को किसी दूसरे के भी देखता है, सुखम पायम वा दुखम, सुख हो रहा है तो मैं कैसे इस वस्तु को प्राप्त करके सुखी हुआ और मैं इस वस्तु को प्राप्त करके दुखी हुआ, ये जो विचार किया जा रहा है, ऐसा विचार जिसमें है कि हम जैसे सुख चाह रहे हैं ऐसे दूसरे वस्तुओं को भी सुख दें और दूसरा भी सुख प्राप्त कर रहा है। सुखम पायम वा दुखम, सुख मिल रहा है अथवा दुख मिल रहा है, उसको जैसे मुझे अच्छा लगता है ऐसे इसको भी अच्छा या बुरा लग रहा होगा, वो सयोगी परमुभता वही श्रेष्ठ योगी विराजमान है। क्योंकि आत्मा से प्रकाशित जैसे मेरी इंद्रियां विषयों को भोग रही है, ऐसे आत्मा से प्रकाशित, एक ही आत्मा से प्रकाशित इसकी इंद्रियां भी विषयों को भोग रही है, ऐसा विचार करते हुए व्यक्ति को रखना चाहिए। ऐसा करने से प्रसंग जो है वो वही है कि चित्त को भगवान में कैसे केंद्रित किया जाए। तो चित्त को भगवान में केंद्रित करने का तात्पर्य यह है कि किसी के प्रति द्वेष नहीं, सबके प्रति आदर की यदि भावना ग्रहण की जाएगी तो वह जीवन का कल्याण करेगा। संसार में भी ये कहीं विचार करना चाहिए कि सबके भीतर जो पंच महाभूत तो सबके बने हैं, तो सुख यदि मुझे प्राप्त हो रहा है तो पंच महाभूत हो रहा है, आत्मा के कारण हो रहा है, आत्मा सब में ही इस बात को उसको ध्यान रखना। तो वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ कहने का तात्पर्य है कि वो देश काल इन सबको, क्यों ब्रह्म को जिसने पहचान लिया वो अपने आप ही सर्वज्ञ हो जाएगा। अपने शरीर की उपमा दूसरे के सुख दुख से रखने पर ये विचार होगा कि हम किसी दूसरे को एक तो दुख नहीं देंगे, एक बात तो ये होगी, दूसरे का अपमान दूसरे को दुख ये नहीं देंगे, एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात ये है कि ये विचार करके कि पंच महाभूत का बना हुआ है मेरा शरीर है, पंच महाभूत का बना हुआ इसका शरीर है, आस्वाद में कहीं कोई अंतर नहीं है, सुख में कोई अंतर नहीं है, उसके बाहरी रूप में अंतर कहीं प्राप्त हुआ है, सुख के रूप में शरीर। तो सुख हो या दुख, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे इसको भी अच्छा लग रहा है। अब श्री अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मत्सूदिनो एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिः स्थिरम्। बोले आपने जो इस योग का वर्णन किया कि सब जगह एक ब्रह्म का दर्शन करे, तो हे मत्सूद ये साम्य योग का जो वर्णन किया ये योग मेरे हृदय में चल नहीं रहा है, तो मन चंचल है। मैं तो ये मानता हूं प्रयत्न करने पर भी ये भाव कहीं आ ही रहा है कि मैं हूं और दूसरा दूसरा है, स्व पर तटस्थ का जो भाव है वो तो आता ही है, इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि मन की चंचलता है। और हे मधुसूदन जो समता का जो भाव है वो तो योग
योग से आप करता है साम्य बल सुनना, जो साम्य माने समता, समता का भाव आपने वर्णन किया, वो समता का भाव मैं पूरी तरह से अपना नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये योग स्थिर नहीं रहेगा, समता का भाव स्थिर नहीं रहेगा और माया के कारण कभी ना कहीं हमको अपना प्रभाव, माया अपना प्रभाव दिखाती है और स्व पर तथा ये भाव हमें आ ही जाते हैं। मन को सर्वत्र एक जगह ब्रह्म में ही स्थित करना और उपाधि को नहीं देखना ये बड़ा कठिन है, और उसके लिए कह रहे चंचल विमल कृष्ण प्रमाथी बलवत्र तस्याहं विग्रह मन्ये वायुदेव सुदर्शनम्। ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथी माने प्रमादी करने वाला है, मन समझ करके भी गलती कर सकता है और मन बड़ा बलवान भी है, समझदार व्यक्ति को भी समझते हुए भी विषयों में आसक्त कर सकता है। तो मन सुहागता चंचल है एक बात, दूसरी बात ये कि मन प्रमादी है, माने समझ बूझ करके भी वो गलती कर सकता है, कभी कभी बलवत ग्रहण विषयों में विवेक को पराजित करके जानते पूछते भी वह विषयों में आसक्त हो सकता है। ऐसे मन का निग्रह करना, मन को वश में करना ये तो बड़ा कठिन काम, जैसे कोई ये कहे कि मैं वायु को वशीभूत कर लूंगा, तो वायु को वशीभूत करना जैसे दुल्हा ने किसी वायु को कैसे रोक देंगे, वायु वायु नीचे ले वायु को रोक देंगे तो कहीं है वायु को कहीं कहीं से निकल जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। तो मन को वशीभूत करना बड़ा कठिन, इसके लिए एक बहुत सुंदर बात, इसी बात को इसी तथ्य को श्री श्रीमद् भागवत ने हंसोपाख्यान में बड़ा सुंदर लिखा है। एक बार ब्रह्मा जी के पास में संकालिक आए, संकालिक ने ब्रह्मा जी से अपने पिता से प्रश्न किया कि महाराज कई बार का ऐसा होता है कि मन विषयों में चला जाता है, मन विषयों में जा रहा था गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के वो उपदेश से संतों के मन को रोकने का प्रयत्न किया, ना मन को ठाकुर में लगाओ, शब्द स्पर्श संसार के जो है उनमें मन लगाओ, इतनी देर बैठकर ठाकुर का भजन करो। अब भजन करने के लिए बैठे तो फिर एक बार समस्या और आ रही है, कभी कभी मन को रोका हुआ है फिर भी विषय आगे सामने आ जाए, तो कभी तो हम विषयों की ओर दौड़ते हैं विषय का दर्शन करने के लिए, कभी विषय स्वयं हमारे सामने आकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो ये तो बड़ी समस्या है, जैसे तैसे तो बड़ी कठिन से मन को रोकने का प्रयास किया, कहीं सुंदर गीत गुजर रहा था उससे मन को रोका, कहीं रूप था उससे मन को रोका, सुंदर गंध से भोजन से रस से रोका, तो बड़ी कठिन में तो रोका, कितने वर्षों का प्रयत्न करके मन को वश में किया, पर एकांत में बैठे हुए थे भजन कर रहे थे तब भी कहीं कोई सुंदरी आ जाए, कहीं से सुगंध सुंदर गंध आ जाए, सुंदर कान में संगीत देने लग जाए, तो ठाकुर से अपेक्षित रख करके फिर विश्व में चला जाता है। फिर से कोई आई शुरू हो गई, कोई बार खड़ी शुरू हो गई, फिर से मन को वापस करो, तो ये तो मन की रस्सा कसी तब बात जो है वो चलती रहेगी, कभी विषय मन की ओर खिंच जाएंगे, कभी मन विषयों की ओर खिंच जाएगा, तो कभी मन की गलती होगी, कभी विषयों की प्रबलता होगी, कभी कुछ कोई बात हो जाए, अब क्या तो ब्रह्मा उत्तर भी दे सकते। उस समय भगवान ने हंस अवतार किया, हंस भगवान की जय, हंस अवतार धारण किया। अब जब हंस सामने आए और हंस भगवान कह रहे हैं मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं पिता ब्रह्मा जी ने कहा इनसे पूछ लो, ये हंस आ गए हैं, इनसे पूछो ये कौन आ गए हैं, एक आए बड़े दिव्य तेज भी था उनका, तो
संकायिकों ने उनसे पूछा कि को हवा तुम कौन हो। इस प्रश्न को पका करके श्री हंस भगवान ने उनको सारा ज्ञान दे दिया कि को हवा के प्रश्न किसको लेकर के कह रहे हो। मुझे यदि तुम एक शरीर समझते हो पंचमहाभूत का बना हुआ तो मुझे समझो कि जैसे पंचमहाभूत का शरीर मेरा है ऐसे तुम्हारा है। इसलिए वो भगवान ये प्रश्न क्यों कर रहे हो। सबके शरीर पंचमहाभूत के हैं क्या तुम ये नहीं जानते। तुम तो ये जानते हो तो मेरे लिए कुछ मत करो। और यदि ये कह रहे हो कि शरीर अलग है आत्मा अलग है और आत्मा को लेकर प्रश्न कर रहे हो तो आत्मा सबके एक केवल देह के कारण भिन्न भिन्न दिख रही है। आत्मा सबके एक है। जैसे कांच महल में कई कांच जड़े हुए हैं और एक बल्ब सब में चमकेगा एक बिंब सब में चमकेगा एक सूर्य सब में चमकेगा ऐसे ही एक ही परमात्मा वह वृत्ति भेद से चीटी से लेकर के और हाथी तक सब में तो को हमन आत्मा को लेकर के कुछ नहीं है। आत्मा तो एक है और जागृत स्वप्न सुषुप्ति उसमें आत्मा का हमको बोध नहीं है। सुषुप्ति में कहीं किंचित बोध है पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति जब तक ये बुद्धि की तीन अवस्थाएं रहेंगी तब तक हम आत्मा को नहीं देखेंगे हम शरीर को ही देखेंगे। परंतु जब मोक्ष की स्थिति हो जाएगी तब शरीर अलग छूट जाएगा और आत्मा अलग छूट जाएगी। इसलिए तुमने जो प्रश्न किया कि विषय मनुष्य मन को नहीं खींचे इसका कोई उपाय है। इसका उपाय यही है कि आत्मा का दर्शन करो और विषयों को अलग कर दो माने मोक्ष को प्राप्त कर लो। मोक्ष को प्राप्त कर लोगे तो आत्मा तुमको ये विषय तुमको खींचेंगे नहीं। मोक्ष को प्राप्त करो बड़ा सरलता से यदि आपने जी मिला दे मोक्ष को प्राप्त कर लो। मोक्ष को प्राप्त करें कैसे उसका उपाय भी तो होना चाहिए। ठीक है मैं आपके पास समझ गए कि जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं है शरीर और आत्मा इनके एक माने बैठ गए तब तक तो बंधन हो रहा है। यदि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा शरीर को त्याग कर दिया तो फिर बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। पर मोक्ष को प्राप्त किया कैसे चाहिए समस्या है कि क्यों कहने से थोड़ी हो जाए। भगवान बोले इसके लिए दो उपाय। तो पहले तो उन्होंने बुद्धि की तीन अवस्थाओं का वर्णन किया जागृत स्वप्न सुषुप्ति और फिर चौथी अवस्था तुरीय अवस्था मोक्ष इनका वर्णन किया। सीधे सीधे कि जागृत अवस्था में स्थूल शरीर विषय को ग्रहण कर रहा है स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर को सो गया पर मन जगा हुआ है और मन अहंकार के साथ में जुड़ा हुआ शरीर के साथ में अहंकार जुड़ा हुआ है तो स्थूल शरीर स्थूल अवस्था की बात कि मैं ये खा रहा हूं मैं ये पी रहा हूं मैं दिख रहा हूं। जब स्थूल शरीर सो गया उस समय सूक्ष्म शरीर मन मन वह कहीं अहंकार के साथ में जुड़ा हुआ है और मन अनेक मानसिक शरीर प्राप्त करके मन ही अनेक रूप धारण करके स्वप्न में अहंकार के साथ में जुड़ करके विषयों को देख रहा है विषयों को होता तो अहंकार का स्थूल शरीर से संबंध होने पर जागृत अहंकार का सूक्ष्म शरीर से संबंध होने पर स्वप्न पर तो विषय रहे और अहंकार का लय हो जाए अहंकार का लय अहंकार का केवल बाद हुआ अहंकार काम नहीं कर रहा है अहंकार रहित विषयों की स्थिति प्राण की स्थिति उसका नाम है शिशु। मन भी सो रहा है मन मरा नहीं है बुद्धि भी सो रही है बुद्धि मरी नहीं है अहंकार भी सो रहा है अहंकार मरा नहीं है विषय भी सब विद्यमान है और फिर भी तो अहंकार रहित विषयों की जो स्थिति विषय विद्यमान है पर अहंकार उन
उनसे अलग है। कमरा वही का वही है, पलंग वही का वही है, अपनी अलमारी जो रखी हुई है वो वही की वही है, सामने जो पुस्तकें रखी हुई है, घर में सजे हुए कपड़े भी वही के वही है, पर अहंकार उनके साथ में जुड़ा हुआ नहीं, विश्व के साथ। ये जो स्थिति थी, ये स्थिति शिशु की हुई, पर तो अहंकार मरा भी नहीं, ये बात हुआ। अहंकार है तो सही जुड़ मिलता है, तो ये सुषुप्ति की स्थिति जैसे ही नींद पूरी होगी तमोगुण थोड़ा कम होगा, सो ही वो अहंकार फिर विश्व से जुड़ जाए। शरीर में जब तमोगुण की अधिकता थी, तो उस तमोगुण की अधिकता ने अहंकार को इतना ढक लिया कि अहंकार सो गया, ढक गया और वो विश्व से अलग हो गया। पर जैसे ही तमोगुण कम होगा, वैसे ही अहंकार फिर से उस विश्व को ग्रहण करने लग जाएगा। ये तो कोई स्थिति हुई, ये तो टेम्पररी निकाल हुआ। मोक्ष की स्थिति किसको कहेंगे, जहां अहंकार को अलग कठिन बात है, इस बात को समझ है नहीं। अहंकार का शरीर के साथ में जुड़े होना ये है जागृत, अहंकार का मन के साथ में जुड़े होना ये है स्वप्न। अहंकार है तमोगुण से ढका हुआ है, विषयों से अलग हो गया है परंतु मरा नहीं है, इसका नाम है सुषुप्ति। और अहंकार लय को प्राप्त हो गया, गल गया, समाप्त हो गया, उसका नाम है मोक्ष। तो मोक्ष को प्राप्त किया जाए। अब मोक्ष को कैसे प्राप्त किया ये समस्या है वहां। तो श्री हंस भगवान ने कहा इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो है हठ योग का और दूसरा तरीका है भक्ति योग। हठियों का भक्ति योग का दो तरीके, हठियों का तरीका उन्होंने बताया कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों से युक्त जो उपाधि थी उस उपाधि को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों उपाधियों को समाप्त कर दिया जाए, माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों को त्याग कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उसके लिए योगश्चित्रवृत्ति विरोधा, हठियों को अपनाओ, अष्टांग योग जो है उसको, यम नियम आसन जिनके द्वारा मैं शरीर नहीं हूं, समाधि में केवल ये विचार किया जाए कि मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा रह गई और कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, शुद्ध बुद्ध आत्मा रह गए हैं। मेरे हाथ है क्या, बोले नहीं है, हाथ के नाखून है, बोले नहीं है, मेरे पास में केश है कि नहीं है, क्या मैं हाथ उठा सकता हूं, बिना हाथ उठ नहीं रहा, पलक झपक से झपक सकता हूं, बिना पलक झपक ही नहीं रही है, मैं शरीर हूं। तो ये जो स्थिति है योग के द्वारा इस स्थिति को प्राप्त कर लिया, मैं शरीर नहीं, मैं आंख नहीं, मैं कान नहीं, मैं नाक नहीं, मैं स्थूल शरीर नहीं, ये विचार करके अंत में एक स्थिति आई, मैं कौन हूं, केवल आत्मा है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, केवल आत्मा, 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 अनंत, 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 ये समाधि की बिल्कुल समाधि की स्थिति होती है। इस स्थिति में जब पहुंच जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और बिल्कुल समाधि की स्थिति में पहुंच करके शरीर ही प्रारब्ध के साथ, शरीर आत्मा शरीर को देख नहीं रही है, इसलिए शरीर कहीं समाप्त हो जाएगा। जब तक आत्मा शरीर को देखती रहेगी तब तक शरीर बना रहेगा, जब आत्मा शरीर को देखना बिल्कुल बंद कर देगी तो शरीर अपने आप समाप्त हो जाएगा। राम का संपर्क है तो सुषुप्ति की स्थिति में कहीं ना कहीं आत्मा का संपर्क मन के साथ में थोड़ा सा भरा रहा, बाद हुआ है उसका नाश नहीं हुआ, लय नहीं हुआ। मोक्ष की स्थिति में अहम का जब लय हो गया तो अहम का लय इसी हो गया क्योंकि आत्मा ने अपने आप को मैं देह हूं नहीं, मैं तो शुद्ध, मैं तो आनंद हूं, ये आनंद है, बस ये आनंद है, आनंद है, आनंद है, बस ये ज्ञान है, मैं ज्ञान हूं, मैं आनंद हूं,
ओम का चिंतन करते हुए मैं ओम ही हूं, प्राण का चिंतन करते हुए, तो वो स्थिति जो है उसमें तो शरीर मोक्ष में परमानेंट यदि ये स्थिति हो जाएगी तो शरीर समाप्त हो जाएगा, माने प्रारब्ध की निवृत्ति होते ही केवल जीव जीव मात्र रहेगा, वो बाध जो है वो बाध लय में पड़ने हो जाएगा। है तो सही बढ़िया तरीका और समाधि की स्थिति को कितना लंबा किया जाए, सुषुप्ति की स्थिति जब जागृत में दिखने लग जाती है उसका नाम समाधि। समाधि का जितना भी वर्णन योग शास्त्र में किया गया वो सुषुप्ति के रूप में किया गया, परंतु सुषुप्ति की अनुभूति जागृत में होने लगती है, तमोगुण नहीं है सत्वगुण में उस सुषुप्ति की अनुभूति होने लग जाए उसका नाम मोक्ष। यदि तमोगुण के कारण अहंकार भटक रहा है और तब जो न आत्मा की अनुभूति, आत्मा का एक आभास मात्र दिख रहा है और जगत की अनुभूति नहीं हो रही है उसका नाम सुषुप्ति है तमोगुण के कारण। पर सुषुप्ति की जो अनुभूति है कि मैं आनंद रूप हूं इसको जागृत अवस्था में व्यक्ति अनुभव करने लग गया है, जागृत अवस्था में उसका अनुभव कर लेना इसी का नाम समाधि। जब ये समाधि प्राप्त हो जाए जागृत अवस्था की समाधि, वो समाधि स्थिर हो जाए तो मोक्ष हो जाए। शरीर जिस दिन छूट जाएगा, जब तक प्रारब्ध है तब तक तो शरीर बना रहेगा और जब प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे उसी समय निरपेक्ष आत्मा का प्रकाश उसको मिल नहीं रहा है तो शरीर समाप्त हो जाएगा कि आत्मा तो मुझे कभी देखेगी नहीं, इसने मुझे छोड़ दिया तो क्या करूंगी मैं इसके साथ करेगा, ऐसा कहकर शरीर छूटता है। बोलिए कठिन को मालूम बहुत कठिन है, इसका उपाय क्या है, कुछ सरल उपाय बताओ। बोल भाई शरीर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, मन को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, मन के मूड को बदल देने की कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये शरीर भगवत सेवा करने के लिए मुझे प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा मैं ठाकुर की सेवा करता हूं, तो मन और शरीर ये मुझे ईश्वर के द्वारा इस मेरे जीव को एक साधन के रूप में मशीन के रूप में दिए गए हैं, इनका मैं सही उपयोग करूं, मैं हूं भगवान का सेवा मजदूर, पर उसको जो छैली वस्तु भी दिए गए हैं ये काम करने के लिए, ठाकुर का काम करने के लिए, मालिक के मकान को बनाने के लिए, मशीन को बनाने, मूर्ति को बनाने के लिए उसको दिए गए हैं, तो इनका मैं सेवा के लिए उपयोग करूं, तो इस शरीर को भगवत सेवा में, मन को भगवत सेवा में लगा देगा, फिर जो जो मन भगवत सेवा में लगेगा क्यों तो तराजू को पढ़ने की तरह से जैसे जो पड़ना भारी है तो दूसरा पड़ना ऊंचा हो जाएगा, ऐसे ही शरीर में चिन्मयता तो आती चली जाएगी और प्राकृतता शरीर की मन की समाप्ति भी चली जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी मन ही चिन्मय बन जाएगा, मन पूरा का पूरा चिन्मय ही बन जाएगा, उस स्थिति को प्राप्त करके चिन्मय की स्थिति है वो भक्ति के द्वारा, ये मन को चिन्मय बनाने की जो स्थिति है ये तो एक क्वेश्चन का तरीका था कि मन को त्याग करो, मन की तरफ देखो ही मत, और दूसरा है मन को त्याग मत करो, मन में से मैल को तो दूर करो, प्राकृतता को दूर करो, तो उसे चिन्मय बना देते विराजमान हो जाओ। यहां समझ दो जैसे पैर में कांटा पड़ कर गया अंगूठे में, अब कांटा दूर करना है क्या करें, दुर्गे डॉक्टर के पास भी जाकर के अंगूठा कटवा दो, अभी कोई इलाज नहीं हुआ, अंगूठा कटवा दो, पैर कटवा दो, कांटा दूर हो गया, तो पर ये बढ़िया इलाज नहीं है, बढ़िया इलाज ये है कि उस पैर को सुरक्षित रखा जाए, उस पैर को कहीं शक्तिशाली किया जाए और कांटे को अलग किया जाए, विवेक के द्वारा कांटा अलग किया जाए और पैर को ताकतवर बनाया जाए, पैर को कार्य करने में उल्टा और दिव्य कार्य करने में उल्टा और समर्थ बनाया जाए, ऐसे ही शरीर को सेवा के लिए
मेरा अपना योग बनाना इस शरीर को बिल्कुल भगवत सेवा के लिए करना और इसको चिन्ह बना देना सीजन करते हैं वो जैसे पेड़ से कट करके लकड़ी आई और उसको कभी छाया में सूखने के लिए नीचे पत्ता लगा करके रख दिए टेढ़ी हो नहीं और उसको रखा एक तीन महीने बाद चार महीने बाद जब उसकी सीजन निकल गया तब उसका फर्नीचर बनाया गया कच्चे का फर्नीचर बनाने में दो बार टेढ़ी होगी और उसके ऊपर वजन रख कर उसको रखा भी गया है टेढ़ा भी नहीं होने दिया और number of sloka. Which number? This is the 6th chapter and 28th, the 35th shloka. And in that shloka, Shri Krishna is describing that Arjuna asked that this man is very much chanchal or it is very much swifting. So how I can make my mind concentrate. And that flinting of this mind, how it can be checked. So Shri Krishna is saying there is two ways of making this mind that is concentrate on my lotus feet. One way is of Hatha Yoga. That means eight steps of yoga, it will be applied, then in samadhi, this mind will be concentrated and the mind will be stuck. But the other way is, but that is a very hard and very
comes a bit to control one's mind with Ashtanga Yoga, Hatha Yoga. So the second thing is a person should concentrate on Bhagavad Bhakti. That means whatever limbs and senses we have got by the kindness of Shri Krishna, we should utilize them then in the service of Shri Krishna. And as soon as we shall utilize them, while we take shelter of Shri Gurudev, and Gurudev gave us initiation, Diksha, at that time the transcendental form was also established and in our, that was installed in our this body. But that is not very much clear. That is not very much manifested. As soon as we will do the bhajan, so whatever instrument was done by Shri Gurudev in initiation, Diksha Kale Bhakta Kare Atmasamarpan, Sei Kale Prabhu Kare Take Atmasam. So that transcendentality is installed by Shri Krishna in our body, but that is not manifested. If we will practice Bhagavad Bhakti, the way and the rules of Bhagavad Bhakti, then gradually the bhakti will increase, the transcendent form will increase, and the material form will be reduced. As in the weighing machine, there is two plates, but which plate is lower than the upper plate, plate goes to up. One push disc is lower, then other disc is going upper. In the same way, the material things, material form of this body will be looser, and the transcendental form, its manifestation will be heavier, and it will come in the manifestation, in our vision, that will be easily that will form. So there is two form. One form is to get concentration in Shri Krishna. Two ways are meant. One way is one should adopt Ashtanga Yoga, and by yoga one should try to discard the material body. And one day he will find that he is not thinking, not concentrating his body. Because while he is in the trance position, in samadhi, in trance position, he will think himself that there is nothing, only anand is there. The joy and jubilance is there. Only knowledge is there. I am knowledge. It is only knowledge, it is only joy, it is only the happiness, and nothing is there. So this body will be discarded, this body will be neglected fully in samadhi. So this is one way. But why the transposition will pass away, will over, then he has to come again in the material world. The other thing is, a person should comprise, person should practice Bhagavad Bhakti, and as soon as much as he will practice Bhagavad Bhakti, then at that time the bhakti will increase, the transcendentality of this body will increase, and the materialistic form of the material body that will be reduced, and one day it will be matched. But in moksha condition, the body is fully matched and it is dissolved, but in shushupti it is not dissolved, it is only postponed.
So that is the so one in Sushupti path is there, not lead, but in Moksha the lead is also found, and why the designations will be dissolved, then only the Atma stone built in, and the person will become Atma, Buddha. But that is a very hard and tough way. So the way that gives joy in the sadhana also, that way is Bhagavad Bhakti. By doing Bhagavad Bhakti, this body gradually gets transplanted and the material shift is reduced. So I can ask it, that this money is very much chanchal and it is not fun, and it is flimsy position is there. Pramathi, it is also lazy and sometimes neglecting, and Bhagavad, it is also very much powerful. I am thinking that the nigraha of this, controlling of this mind is very much sudushkara, very much hard. And it cannot be controlled fully. The absolutely, it cannot be controlled. Shri Krishna is accepting it. And he is saying, asanshaya mahabhava mamudrayam chalam. Whatever you are saying, that is perfectly right. This money is dundigraha. It cannot be controlled fully. And it is very much flinking also, chanchal. But abhyasita kaunteya vai agyana chitriyate. The concentration of this mind will be by two ways. One is abhyas, and then the other is vairagya. By renouncement, the person will think this world full of the sorrowness and the griefs. As well as he will think that this samsara is always transforming and it is not steady, it is always paranami. So being paranami or transforming, this samsara is not seen as it is seen now. It will not be seen in the same way. Every moment it is changing. So these sukha are not this happiness is not steady. This is not so in this vairagya. And the other thing is, and that is abhyas. Abhyas means one should try to think that this scene or phenomena is a upadhi, is a designation, and it will not stay, but Atma will stay. So one should do the practice for that, and to do that practice, one should have the mantra and he should chant Shri Harinam. So abhyasya means this chant, doing 16 rounds or 64 rounds, anyhow, or 4 rounds, whatever. So, abhyas means trying to get back our mind from the material things. That is abhyas. So, by abhyas, a person will get this. So, the two ways Shri Krishna is here suggesting. One way is abhyas, that means one should chant, and while in chant,
Sri Harna, then naturally the affection for this worldly things and material things, that affection will be finished and he will return, be concentrated in the lotus feet of Sri Krishna. That is one thing. And the other thing is, that is Vairagya. So by Abhyasa, concentration in Sri Krishna, and by Vairagya, the renouncement and unattachment to other material things. If we will do this Abhyasa, then this man, this mind will also be controlled. And as you are saying that this man is very much chanchal and its control is impossible, by Abhyasa or Vairagya, gradually if a person will do, then the sweetness of Sri Harinam will come in his mind, and as soon as the sweetness of Sri Harinam and sweetness of Sri Krishna, Chandra Sri Raya, Shantanudhi will come in his mind for sweetness. Vila Prema Kriya will come. The sweetness, as soon as they will manifest, then automatically the affection toward the world of the things will be removed. So, Ashamshi Atma Yogo. Dushpatya Vimati Vashya Matma Yukta Shakyo Vatam Upayata. Asanya Atma, if a person is not concentrating and controlling his mind and trying to fix it in the sweetness of Sri Krishna, then he cannot get the transparency. The transparency and the joy will come only when a person will become sanyam, he will control. Unless he is doing sanyam, austerity, and so without austerity and without concentration, sanyam, without checking his behavior, a person cannot get that. So asanshya kuna yoga, dushpati will be mata. I think it, I accept it, that unless the person is checking his mind every moment, that what will lead me to the upper stage and what will lead me to the down stage. So, if he has not this discretion, then, and if he is losing his mind, and money is going everywhere where he is want to go, then the yoga is dushprapya. Yoga cannot be done. Vashyatana priyatta. If a person has concluding himself, then shakyo vatam upayata. By the eye, a person can get it, and he is shakyo vatam upayata. By the eye, you can get this thing.